नंबर 19 में क्या कहता है, कहता है कि डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स। बच्चों यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट ऑफ फोर्स बोल रहा है तो एसआई यूनिट आपको डिराइव करनी है। यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? न्यूटन। तो न्यूटन को हमको डिराइव करना है यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो पहले यहां तक सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बहुत ईजी है ये, तो फोर्स का फॉर्मूला सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपनी कॉपी में, हाँ, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी गेट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स एज एफ इज इक्वल्स टू एम ए। तो हेयर द यूनिट ऑफ फोर्स, द यूनिट ऑफ मास इज व्हाट, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज व्हाट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। फिर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। आप अपनी कॉपी में सब लोग लिख लीजिएगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स। मतलब प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ फोर्स का मतलब जब हम फोर्स की बात डेली लाइफ में करते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड मतलब ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन। ठीक है, इसको हम न्यूटन भी बोलते हैं। अच्छा, कैपिटल नहीं होगा, एन स्मॉल ही रखिएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूटन एंड इट्स सिंबल इज व्हाट, हाँ, इट्स सिंबल इज कैपिटल। ये तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से पता होगा, और अगर आप फील नहीं कर पा रहे तो आप फील करो, बता दूं मैं फटाफट आपको। सुनो, 1 न्यूटन का फोर्स वो फोर्स होता है जो ये भाई केजी और एम, अरे यार इसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम बॉडी ली गई होगी और उसको एक्सलेट कराया गया होगा, कितने एक्सलेशन से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सलेशन से, तो जो फोर्स लगा होगा वही तो 1 न्यूटन होगा। तो 1 × 1 क्या होता है, 1 होता है। ठीक, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने क्या लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ये तो हो गई कहानी खत्म, बहुत सिंपल है। अब देखो क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास ऑफ m1। तो ध्यान दें, हम यहां पर क्या कर रहे हैं, केस 1। ठीक, तो केस वन में क्या होता है कि फोर्स कितना दिया हुआ है बताइए, 5 न्यूटन। ठीक है, और ये जो 5 न्यूटन का फोर्स है ये अगर हम मास m1 पे लगा दें, चेक करो, ये फोर्स अगर हम 5 न्यूटन का मास m1 पे लगा देते हैं तो एक्सलेशन कितना पैदा हो जाता है, चेक करो, एक्सलेशन, हाँ, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। पढ़ो ना, अरे भाई किसी बॉडी पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आने की संभावना है ना, और वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो मतलब एक्सलेशन पैदा हो रहा है। तो वही तो ये बोल रहा है क्या कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन प्रोड्यूसेस एन एक्सलेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास m1। चलो भाई मान गए इनकी बात, अब आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि एंड एन एक्सलेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ मास m2। मतलब समझो, पता है एक्चुअल में फोर्स नहीं चेंज किया, आप उनकी लैंग्वेज पढ़िए, फोर्स वही है, तो फोर्स अभी भी वही है, 5 न्यूटन ही है। जब हम इसको किस पे लगाते हैं, मास m2 पे, सेम फोर्स को, मतलब 5 न्यूटन को ही हम जब इस पे लगाते हैं तो जो एक्सलेशन पैदा होता है सेकंड ब्लॉक जिसका मास m2 है वो कितना होता है, ध्यान से पढ़ो, कितना है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछा है इन्होंने, कह रहा व्हाट एक्सलेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड इफ बोथ द मासेस आर टाइट टुगेदर। बच्चों समझिए जरा, जब हमने क्या किया, मास m1 और m2 को टाइड कर दिया, तो केस नंबर 3 में हमने क्या किया, मास m1 और m2 को टाइड कर दिया, बांध दिया, अरे फेविकोल से चिपका दो। ठीक है, तो ये देखो, ये मास m1 और m2 को टाइड कर दिया, अब ये सिंगल बॉडी जैसा बिहेव करेगा। तो m1 और m2, अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर टोटल मास कितना है बताइए, अगर इसका टोटल मास हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं तो टोटल मास कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2। अब क्या किया जाता है, पढ़ो, वॉट एक्सलेशन वुड द सेम फोर्स, मतलब फोर्स अभी भी उतना ही लगाया जा रहा है, तो अभी भी इस पे फोर्स कितना लगाया जा रहा है, 5 न्यूटन। तो हमको ये बताना है कि अब एक्सलेशन कितना होगा, पढ़ो, वॉट एक्सलेशन वुड द सेम फोर्स प्रोवाइड, अगर हम उतना ही फोर्स लगाएं तो इस m1 प्लस m2 जो टोटल हमने टाइड कर दिया इस पे कितना एक्सलेशन बनेगा, किसकी हेल्प से, सेम फोर्स की हेल्प से, मतलब उसी 5 न्यूटन की हेल्प से। तो ये आपको यहाँ पर एक्सलेशन बताना है। अब बड़ी समस्या, आप सभी बच्चों को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलेशन, ये सभी बच्चों को पता है। तो अगर मुझको एक्सलेशन निकालना है तो मास इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि एक्सलेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, फोर्स बाय मास, ये तो सभी बच्चों को पता होगा। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए कि थर्ड केस में मुझे एक्सलेशन निकालना है, तो थर्ड केस में मेरे को फोर्स तो पता है कितना है, 5 न्यूटन, मतलब यहां पर फोर्स की जगह तो मैं क्या रख दूंगा, 5 न्यूटन, बट मतलब 5 रख दूंगा, न्यूटन उसकी यूनिट है वो मैं नहीं रख रहा हूं। मास आपको कितना रखना है, तो जवाब है कि मास आपको रखना है कितना, m1 प्लस m2, लेकिन अब हमको m1 प्लस m2 ही नहीं पता है, तो हम जाएंगे वापस ऊपर, और ऊपर जाएंगे बच्चों तो ध्यान से चेक करिए, यहां पर अगर मैं क्या निकाल, देखिए फोर्स दिया हुआ है, मास हमको निकालना है और एक्सलेशन दिया हुआ है, तो एक्सलेशन क्या होता है, अभी भी तो पढ़ा था आपने, फोर्स अपॉन मास। तो a1 यानी कि फर्स्ट केस का जो एक्सलेशन होगा वो क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, तो यहां पे होगा फोर्स अपॉन मास m1। तो फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और मास, सॉरी
अब हम एक्चुअल में हमें मास निकालना है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, मास को इधर ले आए, एक्सेलेरेशन को इधर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे भाई चेक करो ना, फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो अगर मुझे एम निकालना है तो ए इसके नीचे आ जाएगा ना, यानी कि एम वन इज इक्वल टू वॉट, फोर्स बाय एक्सेलेरेशन एफ वन, और एफ वन क्या है, एफ ई, मतलब फोर्स तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उसको एफ लिखा हुआ। तो फोर्स कितना है, 5 न्यूटन, और एक्सेलेरेशन कितना है, 8। तो 5 अपॉन 8 क्या, किलोग्राम, क्योंकि अगर ये न्यूटन में, अरे चेक करो, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जगह भी तो नहीं है, देखो ये मास क्या होता है, फोर्स बाय एक्सेलेरेशन, और अभी अभी फोर्स न्यूटन में था, न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन में, एक्सेलेरेशन यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम ही तो आएगा, तो मास की यूनिट किलोग्राम आ गई। अब केस टू में एम टू इज इक्वल्स टू वॉट, फोर्स अपॉन ए टू, तो फोर्स कितना है अभी भी, 5 न्यूटन अपॉन ए टू, एक्सेलेरेशन कितना है, 24, तो 5 अपॉन 24 क्या, के जी, बात समझ में आई। अब m1 प्लस m2 निकाल लें कहीं पे और ले जाके वहाँ पे रख देंगे, तो m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा, m1 कितना बोलो, 5 बाय 8, और प्लस m2 कितना बोलो, 5 बाय 24। अब बताइए मुझे आप फटाफट, 8 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24, 24 को डिवाइड लगाओगे 8 से, 3 आएगा, 5 3 सा क्या होता है, 15, और प्लस 24 को 24 से डिवाइड लगाओगे 1 आएगा, 5 इंटू 1 5, तो कितना आ गया, 15 प्लस 5 20, और 20 बाय 24। अब इसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, तो करिए, किससे होगा ये, मेरे ख्याल से किससे होगा, 4 से, तो 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, 5 बाय 6 आ गया, कितना आ गया, 5 बाय 6, थोड़ी जगह का मैं एडजस्ट करिए, 5 बाय 6, तो m1 प्लस m2 कितना आ गया, 5 बाय 6, तो यहाँ पे आ जाइए बच्चों, 5 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 की जगह 5 बाय 6। अब इसका मतलब क्या है, 6 ऊपर चला जाएगा, पता है ना, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 बाय 5, 5 5 गेट्स कैंसल्ड एंड आंसर इज व्हाट, 6, 6 क्या क्या क्या, एक्सेलेरेशन निकाल रहे थे ना, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब जब सेम फोर्स हम लगाएंगे दोनों को टाइट करके, तो एक्सेलेरेशन कितना पैदा होगा, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब देखो पता है, बात समझो जरा बच्चों, केस वन में एक्सेलेरेशन कितना हो रहा था, 8, केस टू में कितना हो रहा था, 24। देखो बात समझो, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहां से अगर हम एक्सेलेरेशन निकालें तो क्या आ जाएगा, एफ बाय एम, तो अगर हम फोर्स को कांस्टेंट कर दें तो एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मास, मतलब सेम फोर्स के लिए मास अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप ध्यान से चेक करिए कि यहां पर एक्सेलेरेशन कम है, पता है, क्योंकि मास ज्यादा है, अरे भाई इतना तो मैथ्स आता होगा, है ना, एक्सेलेरेशन यहां पर कम है इसके कंपैरिजन में, क्यों, यहां एक्सेलेरेशन इसलिए कम है क्योंकि ये मास ज्यादा है, अरे भाई 5 अपॉन 8 इज ग्रेटर देन व्हाट, 5 बाय 24, भरोसा नहीं हो रहा है तो 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3 से नीचे ऊपर आ जाएगा, 15 अपॉन 24 इज ग्रेटर देन 5 बाय 24, ठीक है। तो आपने देखा जहां पे मास ज्यादा था वहां एक्सेलेरेशन कम आ गया, फिर फोर्स उतना ही है, फोर्स तो फिक्स हो गया, तो आप चेक करो कि जहां पर मास कम था 5 बाय 24 वहां एक्सेलेरेशन अचानक से बढ़ गया, लेकिन 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 जब तुम दोनों को क्या करोगे, टाइड कर दोगे, जब तुम दोनों को बांध दोगे, तब तो भैया मास सबसे ज्यादा होगा, तो केस नंबर 3 में मास सबसे ज्यादा होगा, इसलिए केस नंबर 3 में सेम फोर्स यानी कि वही 5 न्यूटन का फोर्स सबसे कम एक्सेलेरेशन पैदा करेगा। और आप देखिए केस नंबर 3 में जो आपका आंसर आया है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है, क्योंकि टोटल मास जो था वो केस 1 और केस 2 से अब ज्यादा हो गया और फोर्स तो उतना ही है, तो सेम फोर्स ज्यादा मास पे कम एक्सेलेरेशन, मतलब उसको कम वेलोसिटी में उसकी चेंज ला पाएगा किसी इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। तो अब हम आंसर कैसे लिखेंगे बताइए, हम लिखेंगे क्या, द एक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज प्रोवाइडेड बाय द सेम फोर्स इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, बताइए कोई डाउट है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो आंसर है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आई थिंक अब तो आज टाइम